हम पढ़ लेते हैं, पूछ लेते हैं। बेटा आप ये बताएं कि बेसिक यूनिट्स क्या थे, जैसे पूछा जाए वो। बारा जोर से बोलिए। बेसिक बिल्कुल, बेसिक यूनिट तो फंडामेंटल यूनिट ही कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या थी? बीट लाइन देख के लिख के अच्छा आप बताना चाह रहे थे, आप बताइए बेसिक यूनिट से कहते हैं। लेंथ, टाइम एंड मास आर टेकन एज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, सो देयर यूनिट्स आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इसके अलावा जनाब हमने ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन पढ़ी। ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन क्या है? सर, ड्राइव यूनिट्स आर अदर देन द फंडामेंटल यूनिट, दे आर फॉर्मड बाय सम कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट। सो एग्जांपल आर दैट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ड्राइव यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, एंड दे आर ड्राइव बाय यूजिंग अ सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल। एग्जांपल क्या थी? मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो हाँ अच्छा जी, अब इसके बारे में बताएं जनाब, एम के सिस्टम में कौन कौन सी क्वांटिटीज थी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और उनके यूनिट क्या क्या थे? पूछा जाएगा वो बेटा। आप बताएं एफ के सिस्टम में कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उनकी यूनिट्स क्या थे? हुआ है नोट्स में, रीड करके बताइए। आपका अपना इस तरह किया है, जिससे पूछा जाएगा वो। ये आपको याद दिलाना पड़ा कि आपको अपना इस तरह खोलना होगा। टीवी रजिस्टर बेटा रखिए, जिससे शाम का रजिस्टर, जो पिछले सब्जेक्ट की क्लास है उसका रजिस्टर खोलिए। बाकी सारे रजिस्टर रखिए ताकि तसल्ली से आप कहाँ काम करेंगे और किस तरह से इसको संभालेंगे। अच्छा जी बेटा, आप बताइए एफ के सिस्टम के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स हैं, तो आप फंडामेंटल यूनिट्स मानते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी है? टेन मास का एफ के सिस्टम की बात हो रही है, फोर्स या वेट का, और टाइम। ठीक है, टाइम इनकी यूनिट्स। टेन का यूनिट बताइए, लेंथ का यूनिट है फुट। ठीक है, इसका सिस्टम बताइए एफपी। मैं आपसे नहीं पूछूंगा। चलिए, इसके बाद जनाब वेट या फोर्स का यूनिट बताइए पाउंड। ठीक है, इसका सिंपल एलजी। और जनाब टाइम जो इसका यूनिट तो भी चल रहा है एलजी। ठीक है, अच्छा जी, चले आप बता दें सीजे सिस्टम जो है उसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज को आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज माना था? टाइम सेकंड इसको सीजस कहते हैं, इसलिए सेंटीमीटर जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड। चलिए जी, अब आप बताइए एम के सिस्टम में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? ठीक है जी, तो हमने ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ लिए थे। अब लास्ट क्लास में ये बात हो गई थी कि ये तीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स तीन तीन ममालिक में, तीन जहाँ उनकी जो जहाँ जहाँ उनके एम्पायर थी, जहाँ जहाँ वो जो थे वो रूल करते थे, वहां पे यूनिट्स चला करते थे। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर एक ट्रेडर है वो एक मुल्क से उठ के दूसरे मुल्क पे जा रहा है तो उसको बिला वजह जो है यूनिट कन्वर्ट करना पड़ रहा है, और बताने में, समझाने में और समझने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही। तो जब दुनिया एक दूसरे के करीब आई, लोगों के एक दूसरे से तजारती ताल्लुकात बढ़े, तो उन्होंने कहा कि भाई ये दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में ये जो अलग अलग यूनिट चल रहे हैं
जिसे बिना वजह की अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम हो रही है, जिससे चीजें समझ में नहीं आ रही, तो क्यों ना इसको मिल बैठ कर एक डिसाइड कर लिया जाए कि भाई एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना लेते हैं कि अब ये चार ये सात क्वांटिटीज हैं, ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और अब पूरी दुनिया में इन सेवन क्वांटिटीज के यूनिट्स ये वाले चलेंगे, स्टैंडर्डाइज बना लेते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम बना लेते हैं जो पूरे के पूरी वर्ल्ड में चलेंगे। तो इन तीनों सिस्टम्स में से बेहतर यूनिट को चूज करते हुए एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया जिसको कहते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अपने पास सेटिंग डाल रहे हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटा आप उठिए, आगे आइए, तस्वीर लाइए यार। बेटा अगर आप कहीं चले जाएंगे वहां पर आप सोशल हेल्थ रहेंगे तो आप साल भर पढ़ाई नहीं करेंगे, यहाँ बैठ जाइए। अब आपकी सीट ये फिक्स है, अब आप डेली यहाँ पे बैठे। ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर हम आ जाते हैं। अब ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेवन क्वांटिटीज को आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज माना। अब तरीकाकार हमारा वही होगा कि हम साथ साथ बताएंगे कि ये सेवन क्वांटिटीज हैं जो कि फंडामेंटल या बुनियादी क्वांटिटीज तस्वीर की जाती है। अब फिर उन सेवन क्वांटिटीज के नाम लिखेंगे, फिर उनके यूनिट्स के नाम लिखेंगे और फिर उनके सिंबल लिखेंगे। तो ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाम भी लिख दिया, इसको नाम लिखेंगे इन ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसी पे से शुरू करो, सेवन अगर जगह है तो शुरू कर दीजिए। ऑफ सेवन इन ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स सेवन क्वांटिटीज are taken as fundamental quantities these quantities with their units are described below। ठीक है जी, तो टोटल सेवन क्वांटिटीज हैं जो कि ली जाती हैं ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनको आपने डिस्क्राइब कर रहा है तो वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ टेबल। सेवन क्वांटिटीज हैं, पहले हमने हेडिंग डाल दी सीरियल नंबर की, फिर हमने हेडिंग डाल दी क्वांटिटी की, और फिर हमने एडिंग डाली यूनिट की, और फिर हमने एडिंग डाली सिंबल की। नंबर वन, पहली जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी ली जाती है वो है लेंथ, उसका यूनिट ध्यान देना वही है मीटर, सिंबल स्मॉल एम। दूसरी क्वांटिटी वो है मास, यूनिट है इसका वही किलोग्राम, सिंबल हो जाएगा इसका केजी। फिर इसके बाद जना थर्ड क्वांटिटी हमारे पास है टाइम, इसका यूनिट है जनाब सेकंड, सेकंड के लिए सिंबल के तौर पे आप स्मॉल एस भी लिख सकते हैं और एस ई सी भी लिख सकते हैं। नंबर फोर हमारे पास जो क्वांटिटी, अब यहां ये तो तीन पहले भी चली आ रही, अब मजीद नई क्वांटिटी में इजाफा आपने कर दिया, क्योंकि अब जब साइंस ने और तरक्की कर ली तो और बहुत सी क्वांटिटीज भी ऐसी थी जो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगी और आपने उनको फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर कर ली। इसमें से एक है करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ए एम पी ई आर ई एम्पियर, और इसका सिंबल कैपिटल ए है। कहीं कहीं आपको ए एम पी लिखा हुआ भी नजर आएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फिर इसके बाद जनाब आप आ जाए फाइव टेम्परेचर,
इसका यूनिट है जनाब केल्विन। के नंबर सिक्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका यूनिट होगा मोल, इसका सिंबल होगा MOL। नंबर सेवन, लाइट इंटेंसिटी इसका यूनिट होगा कैंडेला CD। केल्विन, KELVIN, ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आप अपना बॉडी टेम्परेचर फारेनहाइट में निकालते हैं, जो टीवी में खबरनामा वाले हैं वो आपको सेंटीग्रेड में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बताते हैं, मगर जो स्टैंडर्ड यूनिट टेम्परेचर का है वो केल्विन। और ये यूनिट्स बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं एमसीक्यूज के अंदर, कि किसी भी शार्प क्वांटिटी जैसे तो एक क्वांटिटी दे देते हैं और उसका यूनिट पूछ लेते हैं। लाइट इंटेंसिटी का यूनिट लिखा हुआ है जनाब कैंडेला, CANDELA, और इसका सिंबल है CD। MOLE मोल और सिंबल है MOL। कितने लोग कैलकुलेटर लेकर आए हैं जरा सामने निकाल कर। मैंने कैलकुलेटर लाने को कहा था, बेसिक कैलकुलेटर। जी बेटा आपको कैलकुलेटर, हाँ कल ले आइए, ठीक है आपका कैलकुलेटर कल ले आइएगा, ठीक है। आज की क्लास में तो शायद जरूरत ना पड़े, मगर कल की क्लास में कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। मकसद निकलवाने का ये है कि याद ध्यान, कि आपको याद हो कैलकुलेटर आपको लेना, ठीक है। तो कल ले आएंगे आप बेटा आपका कैलकुलेटर, गुड लाइन है, कल ले आएंगे, बैग में रखा हुआ है, कल ले आइएगा आप लाइन, गुड ठीक है, गुड बेटा। यहाँ पे सर कैलकुलेटर नहीं है, कल ले आइएगा, आपके पास नहीं है कल ले आइएगा, कैलकुलेटर आपके पास अभी हम कन्वर्जन फैक्टर्स लिख रहे हैं यूनिट के, और फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे कल की क्लास में, हो सकता है कल की क्लास में या उसके बाद एक दो क्लास के बाद। तो आपने यूनिट्स अभी पढ़ लिए, अब आप यूनिट्स पढ़ने के बाद हम ये लिखेंगे कि हम डिफरेंट यूनिट्स जो हैं उनके कन्वर्जन फैक्टर्स, कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं या एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। इसी तरह से तीन या चार क्वांटिटीज लेंथ, मास, टाइम्स और वेलोसिटी या स्पीड के कन्वर्जन फैक्टर्स लिखेंगे, जो आपको अपने पास नोट डाउन कर देंगे। हम अपने पास हेडिंग डाल रहे हैं इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जेंस, इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जेंस।
सबसे पहले हम कन्वर्जन फैक्टर्स लिखेंगे लेंथ के। अब ये आपको याद रखने हैं, और यहाँ पे हम सिंबल्स की फॉर्म में भी लिख लेते हैं और उनके साथ इसका नाम भी लिख लेते हैं। 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर का सिंबल क्या होता है? ठीक है, इज इक्वल टू 1000 मीटर। मीटर्स का मतलब स्मॉल एम, कहीं 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। इसी तरह से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम यहां लिखना चाहें मजीद, 1 मीटर, अच्छा मीटर का सिंबल होता है स्मॉल एम, सेंटीमीटर का सिंबल होता है सी एम। मजीद लिखना चाहें 1 मीटर बराबर है 1000 मिलीमीटर, यानी कि मीटर का सिंबल हो गया एम और मिलीमीटर का सिंबल होता है एम एम। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर जो है इसके अंदर होते हैं जनाब 10 मिलीमीटर। ये चार हैं तो और भी बहुत सारे कन्वर्जन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, और भी कन्वर्जन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, मगर फिल वक्त के लिए लेंथ के ये कन्वर्जन फैक्टर्स आप याद रखें। फिर इसके बाद जो सेकंड क्वांटिटी जो हमने याद रखनी है वो है मास। 1 किलोग्राम, किलोग्राम का सिंबल होता है केजी, ये बराबर होता है जनाब 1000 ग्राम्स। ग्राम्स के लिए आप स्मॉल जी भी लिख सकते हैं या जी एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ग्राम का सिंबल जी एम और मिलीग्राम का सिंबल एम जी। मास में आप ये दो से कम भी कन्वर्जन फैक्टर्स लिख लीजिए। इसके बाद आ जाइए जनाब टाइम के ऊपर। वन आवर, आवर का सिंबल एच आर, ये बराबर होता है 60 मिनट्स। मिनट्स के लिए एम आई एन का सिंबल यूज होगा। वन मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड्स। वन आवर बराबर होता है 3600 सेकेंड्स। इसके बाद जो चौथा कन्वर्जन फैक्टर है वो आप लिख लें वेलोसिटी या स्पीड। अब थोड़ा सा डिफरेंस है वेलोसिटी में और स्पीड में। अब जब हम चैप्टर 3 में आएंगे तो पढ़ेंगे, मगर दोनों का यूनिट सेम होता है। स्पीड पे चले आप समझ सकते हैं किसी बॉडी की रफ्तार। स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
लिख लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, ये के एम डिवाइडेड बाय एच आर लिखा हुआ, के एम पर किलोमीटर अपॉन आवर एच आर, ये बराबर है 1000 / 3600 मीटर्स पर सेकेंड। Velocity / speed, velocity या speed, ये दो अलग अलग चीजें हैं मगर इनके यूनिट सेम होते हैं। जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे उस वक्त ये चीज आएगी और उस वक्त क्लियर होगी। यूनिट्स इनके बहुत सारे हैं और भी हैं मगर आप अभी इस वक्त उतने पढ़ रहे हैं जो फिल वक्त आपको समझने के लिए या आगे बढ़ने के लिए दरकार है। 9 के सिलेबस के हिसाब से रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, इसके बाद मैं ये रख कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास आइडिया थी, हमें सिचुएशन थी, वो हमें ये करनी थी कि हमने ये सारे यूनिट्स पढ़ने थे, ठीक है, इनकी कन्वर्जेंस करनी थी। अभी कुछ डिस्क्रिप्शन इनकी डिस्कस कर लेते हैं मगर ये न्यूमेरिकल या ये सम अभी यूनिट की कन्वर्जन के सॉल्व अभी नहीं करेंगे, हो सकता है अगली क्लास में कर लें या अगली की अगली क्लास में कर लें। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबके पास कैलकुलेटर मौजूद हो, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास है, कुछ के पास नहीं है, नेक्स्ट क्लास में सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं या एक यूनिट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं दूसरे यूनिट के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बात कि कौन सा यूनिट बड़ा है और कौन सा यूनिट छोटा है। अगर आपको ये काम करना हो कि आप बड़े यूनिट से बिग यूनिट से कन्वर्ट कर रहे हो स्मॉल यूनिट के अंदर, तो बड़े यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाते हुए आपको मल्टीप्लाई करना होगा। When you are going from a big unit to small unit, इसी तरह से जब आप स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जा रहे होते हैं, स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जा रहे होते हैं तो आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब ये एक ऐसी चीज है कोई ये आपसे पेपर में नहीं पूछेगा, ये आपको पता होनी चाहिए, ये कोई अननेसेसरी या अनरिक्वायर्ड चीज नहीं है। ये आप रफ वर्क की अपने पास हेडिंग डाल के नोट डाउन कर लें कि आपके एक्सेल में लिखा हुआ होना चाहिए कि जनाब जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अपनी कॉपी अपने पास रखें, हर एक जिम्मेदारी है खुद अपनी चीजों को कंप्लीट रखें, ठीक है जी। अपने पास नोट डाउन भी कहीं पे भी लिख लीजिए, बस लिख लीजिए। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा यूनिट बड़ा है और कौन सा यूनिट छोटा है, ठीक है। अब इसको समझने के दो तरीके, ज्यादा अच्छा और जरा थोड़ा लंबा और बेहतर तरीका मैं पहले बताऊं, और दूसरा तरीका जो कि बहुत अच्छा तो नहीं है, मैं नहीं चाहूंगा कि आप उसको इस तरह से याद रखें क्योंकि उसमें गलती आप कर देंगे, वो कोई मुनासिब तरीका नहीं है। आप यूनिट का ही कन्वर्जन फैक्टर देखिए,
इसको देख के आपको निकालना आना चाहिए कौन सा यूनिट बड़ा है कौन सा यूनिट छोटा है। ये कन्वर्जन फैक्टर कह रहा है कि एक किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स आ जाएंगे, यानी एक अकेला किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर है। 1000 मीटर्स जब मिलेंगे तब मिलकर एक किलोमीटर बनेगा, तो किलोमीटर अकेले ही बड़ा है, तो ये वाला यूनिट बड़ा है। अब ये जो मैं जो निशाना लगा रहा हूँ ये आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, और मीटर जो है वो छोटा यूनिट। ठीक, इसी तरह से ये वाला कन्वर्जन फैक्टर ये कह रहा है कि एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर आ रहे हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 100 छोटे छोटे सेंटीमीटर मिलेंगे तो जाकर बनेगा एक मीटर। तो अगेन ये वाला यूनिट बड़ा है मीटर, और सेंटीमीटर का यूनिट छोटा है। इस फॉर्मूले में देखें या इस कन्वर्जन फैक्टर में देखें तो ये बताया जा रहा है कि एक मीटर बड़ा है और 1000 मिलीमीटर छोटा है, 1000 मिलीमीटर मिलेंगे तो जाकर एक पूरा मीटर बनेगा। तो आप कन्वर्जन फैक्टर देखिए, अगर आपको कन्वर्जन फैक्टर याद हो तो आप देखकर ये बता सकते हैं कि कौन सा यूनिट बड़ा है कौन सा यूनिट छोटा है। ठीक है, इसी तरह से हम सबको करके देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर आएंगे, 10 मिलीमीटर मिलेंगे, तो 10 मिलीमीटर मिलने के बाद 1 सेंटीमीटर बनेगा। तो 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसका मतलब है ये यूनिट बड़ा है और ये वाला यूनिट छोटा है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए जनाब मास के ऊपर। इस कन्वर्जन फैक्टर में 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम आ रहे हैं, 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स मिलेंगे तो उनके मिलने से जनाब 1 अदद किलोग्राम बनेगा। तो किलोग्राम का यूनिट बड़ा है और ग्राम का यूनिट अगर मुकाबला किया जाए तो ग्राम किलोग्राम के मुकाबले में छोटा है। इसी तरह से 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम जा रहे हैं, तो ग्राम का यूनिट बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू मिलीग्राम, क्योंकि ये 1000 मिलेंगे तो 1 ग्राम बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आइए, 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स है। ठीक है, तो आवर बड़ा यूनिट है और मिनट छोटा यूनिट है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड आ रहे हैं, 60 सेकंड मिलेंगे तो मिनट बनता है, तो सेकंड का यूनिट छोटा है और मिनट का यूनिट बड़ा है। इसी तरह से 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड आ रहे हैं, तो सेकंड का यूनिट छोटा है और आवर का यूनिट बड़ा है। इसी तरह से आप ये कन्वर्जन फैक्टर भी याद रखें, 1 किलोमीटर पर आवर में 7 किलोमीटर भी बड़ा यूनिट है, मीटर के मुकाबले में देखें, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मुकाबला करें, किलोमीटर बड़ा मीटर छोटा, यहाँ आवर बड़ा और सेकंड छोटा, तो यहाँ पे दोनों बड़े यूनिट है, यहाँ पे दोनों छोटे यूनिट है, तो आप ध्यान में रख लें कि किलोमीटर और मीटर में भी इसी तरह का हिसाब किताब है। तो ये एक तरीका है, आप कन्वर्जन फैक्टर देख के बता सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, चीज को समझ लीजिए तो आपको खुद ही चीज जो है वो समझ में आ जाएगी कि कौन सा यूनिट बड़ा है या छोटा है। अब अगर आपको ये फिर भी मुश्किल लग रहा है तो इसको याद रखने का एक तरीका इस तरह से भी है कि आप मेमोराइज करें कि कन्वर्जन फैक्टर इस तरह से किस तरह से लिखवाया गया है, और जितने यूनिट्स राइट साइड पर आ रहे हैं वो सारे बड़े हैं, लेफ्ट साइड पैनल वाले सारे यूनिट छोटे हैं। मगर ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, कोई भी यूनिट आगे पीछे हो गया भूल है तो आपको पता ही नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आपको कन्वर्जन फैक्टर देख कर जो है वो यूनिट को निकालना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यूनिट के कन्वर्जन हमने लिख लिए, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनके कन्वर्जन फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, बाज़ औकात यूनिट्स के साथ प्रीफिक्स लगाए जाते हैं, प्री मींस पहले, यूनिट के नाम के आगे एक वर्ड लिख दिया जाएगा। चले ये अभी नहीं पढ़ते, पहले जरा साइंटिफिक नोटेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि प्रीफिक्स जो है वो क्या है। अपने पास नेक्स्ट हेडिंग आप डाल रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन।
अब पढ़ते हैं कि जनाब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज है। हम इसको आज पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, मगर उसको आज लिखेंगे नहीं। हम पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम उसको लिखेंगे। तो पूरी अटेंशन देकर आप उसको समझने की कोशिश कर, और कल की क्लास में इसको फिर रिकॉल करके तेजी के साथ फिर नोट डाउन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके जी, साइंटिफिक नोटेशन है क्या? साइंटिफिक नोटेशन एक खास तरीके का नाम है, मेथड का नाम, जिसकी मदद से हम एक बहुत बड़े नंबर को या बहुत ही छोटे नंबर को एक प्रॉपर वे में लिखते हैं। बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को एक प्रॉपर वे में लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि हमें उसको यूज करना, यानी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है, वरना बहुत बड़े नंबर को डील करना इतना आसान नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं, एक बड़ा नंबर लिखता हूं और एक छोटा नंबर लिखता हूं, फिर इसमें तो हम पूरी कायनात की बात करते हैं, पूरा प्लैनेट भी ले सकते हैं और एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको एग्जैक्ट सही बताऊं मास ऑफ अर्थ, कि हमारी जो जमीन है, ये आप निकालेंगे भी, आपके चैप्टर नंबर 7 में है, मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन कैलकुलेट भी करेंगे, तो जमीन का जो मास है वो 6 लिखिए और इसके आगे 24 जीरो लगा लीजिए। अब मुझे मालूम नहीं है कि ये कितने जीरो हो गए, ये 24 जीरो होने चाहिए। 2, 2, 4, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 और एक बार हम लगाएं। अब ये इतना बड़ा नंबर है, इतने किलोग्राम वजन है हमारी अर्थ का। अब इस इतने बड़े नंबर को कॉपी पे लिखना वो भी मुश्किल, फिर उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना वो भी मुश्किल, इवन कैलकुलेटर में डालना भी इसी फॉर्म में मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इसी तरह से अगर ये मैंने एग्जांपल दी बहुत बड़े नंबर की, मगर ये भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। सन का मास इससे भी ज्यादा होगा, ब्लैक होल का मास इससे भी कहीं ज्यादा होगा, जुपिटर का मास भी इससे बहुत ज्यादा होगा, ठीक। तो ये एग्जांपल होगी बड़े नंबर की। अगर हम छोटे नंबर की बात करें या एग्जांपल लिखें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक छोटा सा तो इलेक्ट्रॉन है, बल्कि इलेक्ट्रॉन नहीं करते, प्रोटॉन कर देते हैं, नंबर ऑफ जीरो बहुत हो जाएंगे, बल्कि प्रोटॉन का भी मास चले लिख ही लेते हैं। ये इसकी वैल्यू जो है जनाब हमारे पास क्या है कि आप पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाने के 0 पॉइंट, उसके बाद ये है जनाब मास ऑफ प्रोटॉन। पॉइंट के बाद रफली मैंने अंदाजा इसे लिखा है 26 जीरो होंगे, फिर 163 आ जाएगा या 167 आएगा, ठीक है। इतना कम मास है प्रोटॉन, ये तो एक एग्जांपल लिखी है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होंगी, ये तो एक एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। इतने छोटी वैल्यूज को या इतनी बड़ी वैल्यूज को डील करना, लिखना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना आसान नहीं है, इसको डील नहीं किया जा सकता, किया तो जा सकता है मगर बहुत मुश्किल से, आसान नहीं है। तो साइंसदानों ने क्या किया कि इस इतने बड़े नंबर को या इतने छोटे नंबर को, जो कि एक आम बात है साइंस के अंदर, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री के अंदर एक मामूली आम रूटीन की बात है, इसको डील करने के लिए कोई आसान तरीका होना चाहिए कि हम इतने बड़े नंबर को मैथमेटिकली किसी शक्ल में, किसी आसान शक्ल में लिख दे, जिसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, उसको यूटिलाइज करना आसान हो। इस अब आप इस इतने बड़े या इतने छोटे नंबर को जिस मेथड में कन्वर्ट करके लिखेंगे, जिस तरीकाकार के तहत आप इसको आसान फॉर्म में लिखेंगे, वो तरीकाकार, वो मेथड जो है वो क्या कहलाएगा, साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। अब अगर मैं यही इतना बड़ा नंबर लिखूं तो ये इस तरह से लिखा जाता है, 6 × 10^24 किलोग्राम, ठीक है, ये लिखा जाएगा जरा 1.67 × 10^-27 किलोग्राम। अब आपने इतने बड़े नंबर को
इस शक्ल में लिख दिया, एक छोटी शक्ल में लिख दिया, और इसको फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना बहुत आसान हो। अब ये किस तरह से आया, कितने बड़े नंबर को किस मैकेनिज्म, किस कॉन्सेप्ट के तहत आपने लिखा, यही हमने पढ़ना है कि हम किस तरह से एक ऑर्डिनरी नंबर को बहुत बड़े या बहुत छोटे को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। इन नंबर्स में अगर आप नोट करें, दो चीजें कॉमन है, ये जो साइन है मल्टीप्लाई और टेन, इसको आप एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ये यू पढ़ा जाएगा सिक्स एक्सपोनेंट, और ऊपर 24 दिया है, ये क्या है, एक्सपोनेंट की पावर है। ये प्लस भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, इसको आप दो तरह से पढ़ सकते हैं। आप यू कह दीजिए सिक्स एक्सपोनेंट 24, क्योंकि एक्सपोनेंट का मतलब ही क्या है, मल्टीप्लाई और टेन, सिक्स एक्सपोनेंट 24 इस तरह से पढ़ लीजिए, या आप इसको यू भी पढ़ सकते हैं सिक्स इंटू टेन की पावर 24, सिक्स इंटू टेन की पावर 24। इसी तरह से यहां पे भी यही मामला है, ये मल्टीप्लाई का साइन और टेन, ये कहलाएगा एक्सपोनेंट, और ये जो 27 है ये क्या कहलाएगा, पावर। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, ये क्या कहलाएगी, वन। पढ़ेंगे किस तरह से इसको, 1.67 एक्सपोनेंट पावर माइनस 27, एक्सपोनेंट पावर माइनस 27, या आप इसको यू भी पढ़ सकते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, ठीक है। तो ये रफ वर्क है, ये अभी आपने नोट डाउन नहीं करना, बट ये समझ में आ जाना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन एक मेथड का नाम है, एक प्रोसीजर का नाम है, जिसकी मदद से आप एक बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को एक कन्वीनियंट वे में लिख सकते हैं, और उसको फिर एक कन्वीनियंट वे में एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। इट्स अ साइंटिफिक मेथड फॉर कन्वर्टिंग अ वेरी बिग नंबर और अ वेरी स्मॉल नंबर इनटू अ कन्वीनियंट फॉर्म विच कैन लेटर बी इजीली यूज फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। इट्स अ मेथड of converting a very big number or a very small number into a convenient form, आसान शक्ल में convert करने का method, और फिर and then this form can easily be added, subtracted, multiplied or divided. ये तो इस method की क्या हो गई, definition हो गई। अब पढ़ेंगे ये किस तरह से, ये चीज इस तरह से लिखी है, पीछे क्या concept है, क्या background है, ये हम फिर अब next class में इसके rules भी पढ़ेंगे और इसको समझेंगे भी और इसको लिख भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास एंड कर रहे हैं।